मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, बंगाल इलेक्शंस के चलते बीजेपी के सारे बड़े बड़े नेता व्यस्त हैं। इस वक्त आप हम सारे लोग कितना भी चिल्ला ले, कुछ नहीं होने वाला। बस दो दिन और बंगाल इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे। अब इस बात का तो हम सबको अंदेशा है ही कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ 13 जून के दिन क्या हुआ और किसने किया, इस बात की पक्की जानकारी सीबीआई और सारे बड़े बड़े नेताओं को ऑलरेडी है। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर सुशांत का सच बीजेपी सही समय पर बाहर लाना चाहती है तो वो सही समय क्या है? महाराष्ट्र इलेक्शंस, क्योंकि अभी उसमें भी 3 से 4 साल का समय बचा हुआ है। अब इससे ही परे हटकर जो जानकारी मुझ तक आई है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल इस वक्त मुझे सूचित कर बताया गया है कि सीबीआई कोई बहुत बड़ा स्टेप या कह सकते हैं कि बहुत बड़ी अपडेट अप्रैल या मई महीने में दे सकती है ऑफिशियली। अब जैसा कि मैंने आप सबको बताया, बंगाल इलेक्शंस आज से ठीक 2 दिन बाद यानी अप्रैल 2 तारीख को खत्म हो रहे हैं और इस वक्त ये इन्फॉर्मेशन आना कि सीबीआई प्लान कर रही है कोई बहुत बड़ा स्टेप या फिर कोई सनसनीखेज अपडेट देने की, अब इसी से कनेक्टेड और एक बहुत बड़ी अपडेट है जो मैं आज ही आप सबको बताऊंगा। लेकिन पहले मुझे उस अपडेट को अच्छे से टटोलना होगा। बहरहाल, आप इस पूरे मुद्दे को किस निगाह से देखते हैं अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर हमारी आवाज़ और बुलंद करें। मैं मिलूंगा आप सबसे बहुत जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।